तो आज हम देखेंगे कि फेस शेडिंग में फेस कैसे करें कलर पेंसिल से। तो कलर पेंसिल से अगर हमारे पास स्किन कलर की पेंसिल नहीं है तो कैसे स्किन कलर लाया जाए, ये देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल यूज़ करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम यूज़ करेंगे येलो कलर की पेंसिल, जिससे हम बेस वाला शेड निकाल लेंगे। तो येलो कलर का बेस होने के बाद हम यूज करेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प फॉर द ब्लेंडिंग। तो येलो जो कलर हमने किया है उसे हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प की सहायता से। अब हम यूज करेंगे ऑरेंज कलर की पेंसिल, ताकि इसमें और एक शेड ऐड किया जाए और बेस लेयर के ऊपर हमें ऑरेंज कलर का शेड ऐड करना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम इस शेड को ऐड करेंगे और बियर्ड्स में भी इसे ले जाना है, ताकि ये लेयर ऐड होने के बाद हम फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प की सहायता से उसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये भी लेयर उसमें अच्छी तरह से दिखे। अब ये दो लेयर होने के बाद हम यूज़ करेंगे डार्क ब्राउन वाली पेंसिल, और पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए हम जिधर जिधर बहुत डार्क है उधर उधर डार्क करेंगे, और जिधर लाइट डार्क है उधर लाइट लाइट ब्राउन डार्क करेंगे। इसके बाद हम हल्के से बियर्ड ड्रॉ कर लेंगे एच वाली पेंसिल लेके, ताकि और बियर्ड के बीच में हमने जो वो शेड किए थे बेसिक बेसिक, इससे बियर्ड और अच्छी लगने लगेगी। अगर नहीं करोगे तो बियर्ड एकदम अच्छी नहीं लगेगी, बियर्ड दिखेगी वो। तो ये था कलर पेंसिल से कैसे हम फेस शेडिंग करें ड्राइंग करते समय, और अगर हमारे पास स्किन कलर की पेंसिल नहीं है तो कैसे जनरेट करें स्किन कलर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंसिल। तो ये मैंने आज इस ट्यूटोरियल में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।